हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वैक मूवी की, जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। मगर ये मूवी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलती है, ये हिंदी में रिलीज हुई नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही महीनों में ये हमको हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अभी इसी वक्त मास महाराजा रवि तेजा की मूवी देखना है तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी है या नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना देते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मूवी की ओवरऑल लेंथ सिर्फ 2.5 घंटे की है, सिर्फ 2.5 घंटे की है। कहानी फोकस करती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम है वीरा शंकर, जो कि गरम दिमाग का है। और इनके सामने कभी भी बैकग्राउंड इस वर्ड का यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आप लोग करोगे तो आपकी क्या हालत होगी वो तो आप इस मूवी में ही देख सकते हो। खैर, वीरा शंकर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जहाँ पर इसका ट्रांसफ़र होता है, वहाँ के गुंडों की ये पूरी तरह से बैंड बजा देता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब हो जाता है एक मर्डर। अब वो मर्डर किसका होता है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो अगर आप बहुत सारी साउथ की मूवीज़ देखते हो, या अगर आप रवि तेजा सर की बहुत सारी मूवीज़ देखिए, तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से फर्स्ट सीन से लेकर एंड तक इस पूरी मूवी को एग्जीक्यूट किया है ना, वो आपको सीटी और ढाली बजाने पर मजबूर करेगा। इस तरह की जो मास एंटरटेनिंग मूवी होती है ना, उसको जब आप थिएटर्स में देखो और साउथ ऑडियंस के साथ बैठ के देखो ना, तो तब आपको एहसास होता है कि यार इनको मास महाराजा क्यों कहा जाता है। इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसा दमदार यहाँ पर हीरो के कैरेक्टर को रखा है ना, वैसे यहाँ पर विलन को भी रखा है। और इस पूरी मूवी में हमको ऐसा महसूस होता है कि यार वाकई में जिस लेवल का हीरो है उसी लेवल का यहाँ पर विलन भी बताया गया। मूवी में कॉमेडी, एक्शन और इमोशन तीनों को एक परफेक्टली वे में रखा, यानी कि कोई भी चीज़ किसी से भी ज़्यादा नहीं है। हालांकि एक्शन थ्रू आउट आपको इस पूरी मूवी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस मूवी में मुझे रवि तेजा सर की एंट्री बहुत ढांसू लगी। हालांकि मैंने इस तरह की एंट्री भी बहुत सारी मूवीज़ में देखा हो, लेकिन जब हम लोग अपने पसंदीदा एक्टर को इस तरीके की एंट्री में देखें ना, तो वो हमारे लिए पैसा वसूल हो जाता है। उसके अलावा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, यानी कि एक सीन है जहाँ पर कैमरा यहाँ पर, फिर कैमरा सीधा बाहर जाता है, फिर बाहर से वापस अंदर आता है। मतलब ये छोटी सी छोटी चीज़ें ना ऑडियंस को बहुत ही इंप्रेस करती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलेगी जो आपका दिल खुश कर देगी। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्शन सीन्स तो आपने इस तरीके के साउथ की बहुत सारी मूवीज़ में देखी, लेकिन जो बैकग्राउंड है ना, वो इस पर्टिकुलर सीन्स को दूसरी मूवी से अलग करता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार रवि तेजा सर ने तो बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है, उनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है इस पूरी मूवी में। लेकिन वारा लक्ष्मी का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि उनका यहाँ पर क्या रोल है वो यहाँ पर मैं रिवील नहीं करूँगा, मगर जब आप उनको देखोगे ना उस पर्टिकुलर रोल में, आपको ऐसा महसूस होगा कि यार वाकई में अगर फीमेल एक्ट्रेस लोग भी इस तरीके का रोल करें तो वो सोने पे सुहागा हो जाए। उसके अलावा समुद्रीकरण भाई, मुझे नाम नहीं, प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रॉब्लम होती है यार, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रुति हर्षन के लिए तो मैं एक ही बोलूँगा कि हमें फर्स्ट हाफ में वो स्टार्टिंग में नजर आती है, उसके बाद ऐसा गायब होती है जैसे कि श्रुति हर्षन इस पूरी मूवी में है ही नहीं। फिर सीधा उनकी एंट्री सेकेंड हाफ की, यानी कि मूवी के ख़त्म होने के कुछ वक्त पहले ही होती है। तो इस हिसाब से मैं श्रुति हर्षन के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहूँगा। मूवी में जो सॉन्ग्स थे, लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, वो सॉन्ग सुनने में अच्छे लग रहे थे लेकिन इतने भी अच्छे नहीं लग रहे थे जो कि मतलब यहाँ पर मैं बता सकूँ। और खैर, मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से मूवी 2 घंटे 10 मिनट में ख़त्म होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। 2.5 घंटा खींचना बहुत ही लंबा लग रहा था मुझे। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट सीन है नहीं। और इस मूवी को रेटिंग हुआ डेफिनेटली 7.5 out of 10। बस इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।